छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा और कहानी सुनाने के पहले मैं सीख पहले सुना देता हूं। हमारे में से हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, इरादे अलग अलग होते हैं और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट डिजायर्स, डिफरेंट मोटिव्स एंड डिफरेंट प्रायोरिटीज। इसको समझने के लिए पहली कहानी चिंटू की है। 12 साल का बच्चा, होशियार लेकिन बहुत ही चंचल। चिंटू के भाई चिंटू से बहुत बड़े, बड़े भाई की शादी हो गई, भाभी घर में आ गई और भाभी और चिंटू की जम गई। भाभी चिंटू को बहुत प्यार करती थी और चिंटू भाभी की हर बात मानता था। एक दिन चिंटू दौड़ता दौड़ता हाफता हाफता भाभी के पास पहुंचा और बोला, भाभी 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 जल्दी से मुझे कैमरा दे दीजिए। भाभी ने पूछा, अरे चिंटू इतना दौड़ते दौड़ते आए, हाफ रहे हो, सांस ले लो, इतनी जल्दी तुम्हें कैमरा क्यों चाहिए? चिंटू ने बड़ी गंभीरता से कहा, भाभी भैया कीचड़ में गिर पड़े हैं और मुझे उनके फोटो लेने हैं। इच्छा, इरादे और प्राथमिकता को समझने के लिए दूसरी कहानी भल्ला की है। नाम भल्ला लेकिन भले नहीं थे। एक बार भल्ला जी हमारे गए डॉक्टर भसीन के पास, केबिन में गए। डॉक्टर भसीन ने चेहरा उठा करके उनको देखा तो भल्ला जी बोले, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, आपके बेहतरीन उपचार से मुझे बहुत लाभ हुआ। डॉक्टर भसीन हो गए कंफ्यूज, उनको भल्ला का चेहरा भी याद नहीं आया। बोले, अरे भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने कब आपका इलाज किया और क्या इलाज किया? भल्ला मुस्कुरा करके बोले, डॉक्टर साहब आपने मेरा इलाज नहीं किया, आपने मेरे चाचा जी का इतना बेहतरीन उपचार किया कि मेरे चाचा जी परलोक सिधार गए और सारी संपत्ति का अकेला वारिस मुझे बना गए। इन दोनों कहानियों से एक बात जो हमने पहले कही बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, किसी भी घटना में, किसी भी अवस्था में, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर व्यक्ति की इच्छाएं, हर व्यक्ति के इरादे और हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। यदि इस बात को हम समझ लें तो हमारी मानसिक यातनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी और हमारे व्यक्तिगत संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्कुल सुधर जाएंगी। 365 कहानियों के इस दौर में सीखते सिखाते हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।